से आ रही बड़ी खबर की। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में सीएम ने निर्देश जारी किए हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना जिम्मेदारी है और इसको पूरी की जाए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाइयों की कमी ना हो, प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त करने पर जोर देना है। प्रदेश में कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलेगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। एम्बुलेंस सेवा 108 के संचालन पर भी सीएम ने कहा कि इसमें दुरुस्ती लाए जाए, अस्पताल में दवाइयों की कमी ना हो, जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, समय सीमा में काम करने के निर्देश दिए जाए, समय से डॉक्टर्स अस्पताल आए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल फरवरी तक पूरे हो जाएंगे, जगदलपुर बिलासपुर में इनका काम पूरा होना है और जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये मुख्यमंत्री ने कहा। यह भी कहा कि कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि एक बड़ा संदेश जनता के बीच पहुंचेगा। तो विष्णुदेव साय की ये बड़ी बातें, विष्णुदेव साय ने फैसला लिया है और उन फैसलों के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात विष्णुदेव साय की तरफ से की गई है। तो कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कड़े फैसले निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से जारी किए गए। और देखिए, उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त करना है, इसके लिए लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे स्वस्थ हो, कैसे बेहतर हो, अस्पतालों में दवाइयों की कमी ना हो, ये भी डॉक्टर्स को देखना होगा, ये अस्पताल प्रबंधन को देखना होगा। तो कुछ अहम निर्देश विष्णुदेव साय की तरफ से जारी किए गए। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अस्पतालों में लापरवाही ना हो और सबसे पहले जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बेहतर की जाए ताकि कोई समस्या आम लोगों को ना हो, क्या कुछ उन्होंने आगे कहा? जी बिल्कुल, देखिए आज स्वास्थ्य महकमे को लेकर के एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो मौजूद थे, इसके अलावा सीएस भी मौजूद थे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि 108 जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं उसे बेहतर करने के लिए बिल्कुल हर जिले में इसकी व्यवस्था हो, तैनाती हो, साथ ही साथ जो मानसिक रोगी सड़कों पर घूमते हैं इसको लेकर के मुख्यमंत्री की संवेदना है वो देखने को मिली, उन्हें बेहतर सुविधा देने की बात उन्होंने कही है और उनके उपचार से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्था करने की बात कही है। साथ ही साथ जो सुपर स्पेशलिस्ट जो अस्पताल हैं बिलासपुर और जगदलपुर में जो निर्माणाधीन है उन्हें जल्द पूरा करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कुष्ठ रोगियों की संख्या वो उस पर इजाफा हो रहा है, तो कुष्ठ रोगियों को एक अभियान चलाकर उन्हें फायदा देने की और कुष्ठ जो मुक्त करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ जो जेनरिक जो दवा है उसे बढ़ावा देने के लिए उसे प्रिस्क्राइब करने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी राज्य के अस्पताल हैं, शासकीय अस्पताल हैं, वहाँ पर किसी तरह की दवाई की कमी ना हो, अव्यवस्था ना हो, उसे लेकर के निर्देश दिए हैं। क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये सुविधा है, तमाम लोग इससे दो चार होते हैं, तो ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था जब सुदृढ़ होगी, अच्छा होगा, तो आम जनता को इसका फायदा होगा, तो उन्हें लेकर के एक कड़ा निर्देश है जारी किया गया है। जी आप बने रहिए युगल हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मौजूदा समय में सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है अस्पतालों को लेकर कि कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो लापरवाही के अलावा आगे बढ़ेंगे, रायपुर से एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। निगम मंडल आयोग की राजनीति, जहां नियुक्तियां समाप्त, कांग्रेस सरकार में नियुक्तियां की गई हैं समाप्त, नई सरकार ने पुरानी नियुक्तियां समाप्त की, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि नई नियुक्तियों को लेकर जानकारी मिल रही है और इसमें निगम मंडल आयोग की बहुत बड़ी राजनीति सामने आई है। तो निगम मंडल आयोग की राजनीतिक नियुक्तियां समाप्त हो गई हैं, कांग्रेस सरकार में की गई नियुक्तियों को समाप्त किया गया है, नई सरकार ने पुरानी नियुक्तियां समाप्त की, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं, समस्त विभाग और सचिवों को इस मामले में पत्र भी लिखा गया है। तो रायपुर की ये बड़ी खबर, जहां निगम मंडल आयोग की राजनीतिक नियुक्तियां समाप्त हो गई हैं। ये भी बता देते हैं आपको, कांग्रेस सरकार में की गई नियुक्तियों को भी समाप्त किया गया है, नई सरकार ने पुरानी नियुक्तियां समाप्त कर दी हैं, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया और वह बकायदा पत्र लिखकर समस्त विभाग और सचिवों को ये जानकारी दी गई है। तो ये वो पत्र आपको दिखा रहे हैं जो तमाम विभागों को दिया गया है, सचिवों को दिया गया है, और जानकारी दी गई एक तरह से कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उन्हें अब समाप्त कर दी जाए। युगल तिवारी संवाददाता लगातार जुड़े हैं। युगल, इस पूरे मामले पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग हैं, उनके अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य ने ये आदेश हैं वो जारी किए हैं, और सभी जो शासकीय जो विभागों में इस पत्र को भेजा जा चुका है, डिस्पैच किया जा चुका है। जितने भी आयोग की सदस्य हैं, नियुक्तियां हैं, उन्हें निरस्त कर दी गई है। राज्य सरकार नए सरकार गठन होने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद ये बड़ा कदम कहा जा सकता है, और तमाम जो नियुक्तियाँ हैं आयोग की सदस्यों की, उन सभी की नियुक्तियां हैं वो समाप्त कर दी है, उसे निरस्त कर दिया गया है। जी बने रहिए युगल, आप हमारे साथ, आगे भी आपके साथ जानकारी लेंगे। तो मौजूदा समय में ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है।